बनूं क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने कॉमेडी लाइन का चस्का लग गया था। तो तुम जॉनी वॉकर या महमूद बनना चाहते थे? मैं सर जीतू कॉमेडियन। सर अपनी इस फिल्म में काम दीजिएगा सर मुझे। यार मेरे को कहीं से 500 रुपए उधार दिला दे यार। और ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये बड़ा जालिम चीज है। और तुम जो कॉमेडियन बनने का सपना सोच रहा है ना, इसको तो छोड़ ही दे, वरना तू भूखा मर जाएगा। हमारा हीरो अपना ब्लड बेचना शुरू कर देता है और बेचते बेचते हमारा हीरो एक दिन करोड़पति बन जाता है। जब आपको ये बीमारी हो ही गई है तो मेरा ये कहना है कि आप अपने खून का सौदा बंद करें। बंबई के सारे डायरेक्टर से मिल लिया मैं। अब मैं उस बड़े वाले डायरेक्टर से मिलूंगा। मैं दादी को ले आया हूं। दादी माँ, वो एक ऐसा चिराग है जिसकी रोशनी में मैं अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। वो मैं ये सब बातें करके मेरा तो नशा ही उतर गया है। इनकी ब्लड रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग हिम्मत मत हारिएगा। जिस वायरस ने इन्हें घेर रखा है वो खतरनाक वायरस है, एड्स का वायरस है। डॉक्टर साहब, इनकी इस खतरनाक बीमारी का कभी कुछ पता ही नहीं चला। समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। देखिए, अभी ऊपरी बीमारी तो है नहीं जो आसानी से दिख जाए। 5-7 साल पहले या 8-10 साल पहले इन्हें तो कुछ पता भी नहीं चला होगा। कुछ भी पता नहीं चला डॉक्टर साहब। मैं तो इतना तंदुरुस्त था कि मेरी ऑफिस की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगा तो मैंने 2 बोतल खून डोनेट किए थे। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप बहुत बीमार पड़े हों, आपको चोट लगी हो और आपको खून चढ़ाना पड़ा? हाँ, 8-9 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, तभी बेहोश पड़े थे। इन्हें 4 बोतल खून चढ़ाया था डॉक्टर साहब। उसके कई सालों बाद अगर आपको याद आ रहा हो, आपको कुछ थकान महसूस होने लगी हो या कुछ? हाँ, फैक्ट्री में मैं थक जाता था। घर आने के बाद
थकान के मारे में काम धाम में दिल नहीं लगता था। कोई खांसी जुखाम? तभी ने तपेदिक बताया था, उसका इलाज भी शुरू किया था डॉक्टर साहब। तो क्या ये तपेदिक बीमारी इतनी बढ़ गई डॉक्टर साहब? नहीं, तपेदिक का तो आजकल घर बैठे इलाज होता है। ये इस वायरस का ही असर है कि इन्हें तपेदिक हुई। अब एड्स का वायरस जो है हमारी शरीर की ताकत को मार देता है। मतलब डॉक्टर साहब? देखिए, हमारे खून में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन या जो बीमारियां लगती हैं उनसे लड़ते रहते हैं और हमें तंदुरुस्त रखते हैं। एड्स का जो वायरस है वो इन व्हाइट ब्लड सेल्स को खत्म कर देता है। अब हम लोगों की समझ में तो ये सब नहीं आता, ये सब तो आप ही जानते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, लेकिन इन बातों को जान लेना जरूरी है। अब एड्स का वायरस जब असर करता है तो पूरे बदन को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देता है और फिर कोई भी बीमारी असर कर जाती है। ऐसा ही इनके साथ हुआ। हेलो दादी, कोई कहानी सुनाओ ना। इतना बड़ा हो गया अभी तू कहानी सुनेगा? कहानी के लिए बड़ा नहीं हुआ, सुनाओ ना प्लीज। अच्छा बता, कौन सी कहानी सुनेगा? वही जो तुम बचपन में सुनाती थी, लाल परी और लोमड़ी की कहानी। अरे पगले, बचपन में तू लाल परी और लोमड़ी की नहीं, उड़ने वाले घोड़े की कहानी सुना करता था। हाँ, वही जिसमें एक शहजादा शहजादी को ढूंढने जाता है और रास्ते में उसकी एक देव से लड़ाई भी होती है ना? तुझे वो कहानी अभी तक याद है? मैं तो भूल भी गई। देखो, भूलने की नहीं होती दादी, मैं तो कहानी सुनकर ही रहूंगा। चाहे तो मुझे शेर की कहानी सुनाओ, लोमड़ी की सुनाओ, खरगोश की सुनाओ, पर सुनानी पड़ेगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया आज? आज मेरी दादी घर आ गई। तू अपनी दादी को उठा जो लाया है? हाँ बिल्कुल, उड़ते हुए घोड़े पर, है ना दादी? और दादी जानती हो, जब मैं तुम्हें ला रहा था तो रास्ते में कई सारे देव आए थे, पर मैं तब भी अपनी दादी को ले आया। तेरी दादी तो अब चल फिर भी नहीं सकती, उठना बैठना भी मुश्किल हो गया है। दादी, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, फिर तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। मेरा इलाज तो बेटा भगवान के पास ही होगा। दादी तुम ऐसी बातें मत करा करो, वरना मैं तुमसे कुट्टी कर लूंगा। जैसे पहले किया करता था? हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में। ना बाबा ना, तू तो मेरे पास से भाग जाएगा और मैं तो तुझे भाग कर पकड़ भी नहीं सकती। ओफो दादी, तुमसे तो मैं कुट्टी भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो मेरी प्यारी प्यारी दादी हो, है ना? अब तो सुनाओ कहानी। अच्छा, तो इसलिए मेरी इतनी तारीफ हो रही थी कि तुझे आज कहानी सुननी ही है, हुँ? हाँ दादी, मैं कई दिनों से सोया नहीं हूँ। क्यों, सोया क्यों नहीं बेटे? छोड़ो छोड़ो, बाद में बताऊंगा, कहानी सुनाओ ना दादी। अच्छा बाबा, तू मानेगा थोड़े, ले सुन। बहुत पुरानी बात है, जहां जमीन और आसमान मिलते हैं वहां बर्फ पर एक बड़ा ही सुंदर फूल खिला। चांद ने जब उस फूल को देखा तो बोला, ये फूल तो ठंड से ठिठुर कर मर जाएगा। तब परी बोली, नहीं, इतने सुंदर फूल को हम मरने थोड़े ही देंगे। हम सूरज की गर्मी लेकर इसे वो गर्मी देंगे। तब चांद बोला, इस फूल में ऐसी क्या खास बात है जो तुम इसे अपने शरीर की गर्मी देने को तैयार हो गई? तब परी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या मालूम,
इससे पहले यहाँ इतना सुंदर फूल कभी नहीं खिला। बिल्कुल वैसे ही सोया है जैसे बचपन में सोया करता था। पर बेटे, मैं तो तुझे उठाकर तेरे बिस्तर पर ले जा नहीं सकती। चल, तू यहीं सो जा। सो जा मेरे बच्चे। काश तो फेंके मिसेज जगमोहन। कौन सा पत्ता फेंके, कोई भी काम का पत्ता नहीं है। ओ माय गुडनेस, क्या करें, फुल हैंड लिए बैठी हूँ। तो फिर मिड पैक कर दीजिए ना। पेशेंस पेशेंस मिसेज चंदानी, कोई रन एंड रमी का हैंड पैक किया करता है। आजा 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 आजा। ओह कितना बेवफा पत्ता। ओह गुडनेस, ये लीजिए। कार्स को बेवफा मत कहिए मिसेज जगमोहन। अगर कार्स नाराज हो गए तो आपका बैंक ही ना खाली हो जाए। ये भी बात ठीक है भाई। पपलू, वाह। और ये डिक्लेयर क्या? फुल हैंड। पॉइंट्स दीजिए, पॉइंट्स। आप लोग मेरे प्लान को समझ रहे हैं ना? ये जो 10 एकड़ का मेरा फार्म हाउस है, इसे तोड़कर हम यहाँ एक दवाओं की फैक्ट्री लगाएंगे, जगमोहन फार्मास्यूटिकल्स। ये फार्म हाउस मेरे बेटे अरविंद के नाम है और मैं इसमें 14 करोड़ लगाऊंगा और आप लोग 1-1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे और हमारा कोलैबोरेशन स्विस कंपनी बैगलर के साथ होगा। आइडिया तो शानदार है, मल्टीनेशनल के साथ काम करने का मुनाफा ही मिला। It is okay from my side. Thank you very much. Arvind, कल मिसेस बंसीलाल की बेटी रूपा तुमसे मिलने आई, तुमने उसे मिलने से इनकार क्यों कर दिया? खामखा मिलकर भी क्या करता? अब नादान मत बनो, तुम तो जानते हो मेरा इरादा क्या है। मैं चाहती हूँ रूपा से तुम्हारी सगाई पक्की कर। अभी मुझे पढ़ना है, बाहर जाना है। तो यही तो आइडिया है कि बाहर जाने से पहले तुम्हारी सगाई हो जाए, यही फैसला हम लोगों ने किया है। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी जिंदगी का हर एक फैसला किया, मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का सौदा करने का हक आपको किसने दिया है? ये हक नेचुरली मुझे मिला है क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं तुम्हारी माँ हूं। माँ? माँ का क्या मतलब है ये आप जानती हैं मिसेस जगमोहन सहकर? अदब से बात करो जरा। अदब? अदब? बचपन से एक माँ ही अपने बच्चे को समझाती है, उसे प्यार देती है, बड़ा करती है। जो माँ अपने बेटे के बचपन से ही दूर रही हो, वो बेटा अदब और बेअदबी के बीच में कैसे तमीज कर सकता है? अच्छा, तो सिर्फ इतनी तमीज सीखी है तुमने? आप मेरी माँ कभी रही ही नहीं। क्या? बचपन से पैदा होते ही आपने एक खोटे सिक्के की तरह मुझे आया की गोद में डाल दिया। क्या कह रहा? जब मैं आपके हाथ का सहारा चाहता था चलने के लिए, तो आपने नौकरों को मेरी बैसाखी बना दिया। जिंदगी में उस उम्र में जब मुझे आपके प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने मुझे हजारों मील दूर एक हॉस्टल में डाल दिया। क्या कह रहे हो? वो सब तुम्हारे फायदे के लिए किया था। बचपन से आपने मेरी जिंदगी का हर एक फैसला किया है, पर अब मैं नादान नहीं हूं, ना ही मजबूर हूं। मैं सोच सकता हूं, समझ सकता हूं। रूपा के साथ मेरी मंगनी का फैसला कोई फैसला नहीं है, ये एक सौदा है और इस सौदे का हक मैं आपको नहीं देता। अरविंद, what are you saying? My God, I can't believe it. तुम्हारे मन में इतना जहर है मेरे लिए? जो जहर आप पिलाएंगी वही तो मैं उगलूंगा। अगर आप हवा के बीज बोएंगी तो आंधी तूफान तो आएंगे ही। वाह, बहुत अच्छा। माँ के लिए बहुत तमीज है तुम्हारे मन में। ये पूछने का हक भी अब आपको नहीं रहा मिसेस जगमोहन सहगल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डैडी की मां, जी हां, इन दादी मां को आपने कितनी इज्जत दी है? बताइए, बताइए मुझे। अरे, कभी, कभी, क्या बोल रहा हूं? भगवान, तुम्हारी परवरिश में हमने कहां कमी छोड़ दी? कैसे बच्चे पैदा किया हमने? मुझे पैदा करके आपने कोई गलती नहीं की। मुझे पैदा करके शायद आपने अपनी कुछ गलतियों को सुधारा है, इस खानदान को एक वारिस दिया है, वरना ये समाज आपको बदशगुनी का सबूत मानता। How dare you? Get out of my sight! निकल जाओ यहाँ से! क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? ऐसी जगह जहाँ पे जरा सी शांति मिल सके। इस घर से बहुत दूर। जहाँ ना यहाँ के लोग नजर आए
और ना उनकी आवाज सुनाई दे सके। बैठो मेरे पास। मोना तुमने तो क्या हालत बना रखी है, तुम एकदम होश में नहीं हो। चलो मेरे साथ बाहर चलो। कहाँ चलूं? अगर ले चलना है तो घर ले चलो शादी करके। मोना तुम एकदम होश में नहीं हो। होश में नहीं तो ही जिंदा हूँ। अगर होश में आ गई तो जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। एक बात तो बताओ अरविंद, मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करती हूँ? मोना मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर पहले तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। मेरा इलाज तो तुम ही हो, और कौन करेगा मेरा इलाज? लेकिन तुम हो, दोस्ती निभाते हो, मुझसे प्यार नहीं करते। दोस्ती के नाम पे अधूरे प्रेमी हो तुम, खुद को और मुझको भी धोखा दे रहे हो। अरविंद, या तो मुझसे प्यार करो या मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। ओ अरविंद प्लीज, और कुछ मत कहो, कुछ मत, सिर्फ कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ऑलराइट मोना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू, ओके? आई लव यू। डोंट डिसीव मी अरविंद, मुझे धोखा मत देना। I love you. Sister, please come in. Sister, इन्हें रूम में शिफ्ट कर दीजिए। अरविंद साहब, देखिए मैं इस वक्त आपको फोन पर पूरी बात नहीं बता सकता, आप मेरे पास फौरन चले आइए। जी हाँ, पेशेंट को आपकी जरूरत है, वो बार बार आपका नाम ले रही है। प्लीज प्लीज कम हियर फास्ट। ओके, मे आई कम इन? अरे पवन, तुम आओ बैठो यार। और सुनाओ क्या हाल चाल है यार? कॉलेज के बाद तुम्हारा कुछ पता ही नहीं, इतने बरस हो गए, कहाँ थे? हाँ, अखबारों में जरूर पढ़ते थे कि भाई तुमने स्पोर्ट्स में ये शील्ड जीती, वो शील्ड जीती। और हाँ, अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा है कि राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। क्यों, सिलेक्शन हो गया क्या? सिलेक्शन हो गया है नहीं, हो गया था। फिर अब क्या हुआ? अब तुमसे क्या छुपाऊं दोस्त, असल में मैं इसमें पीने लगा था, उसे ताकत मिलती थी, पर इस स्मैक ने मेरा सारा करियर चौपट कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कहीं का नहीं रहा विनोद। मगर तुम तो इससे पहले सिगरेट भी नहीं पीते थे पवन। हाँ, नहीं पीता था, लेकिन एक दिन मजाक में दोस्तों ने सिगरेट पकड़ा दिया, बस खेल खेल में ही ये खेल हो गया दोस्त। वो सिगरेट पीकर मुझे लगा जैसे मेरे भीतर एक टार्जन पैदा हो गया है, शक्ति का भंडार मुझे मिल गया है, और मैं एशियन गेम्स कंपटीशन में तैराकी का 100 पदक जीत लाया। सिस्टर, उन्हें मोना गुलाटी के रूम में ले जाओ और उनसे कहो कि उनसे मिलकर मेरे पास आ जाए। ओके, देखो दोस्त, घबराओ नहीं, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम फिर से तंदुरुस्त हो जाओगे। और हाँ, तुम्हें तुम्हारी तैराकी की गोल्ड शील्ड जरूर जीतनी है। ओके पवन, एक सीरियस केस आया है, मैं जरा अटेंड कर अभी आता हूँ। ओके मोना, बहुत कुछ बिगड़ चुका है, बहुत कुछ, अपने आप को संभालो। अरविंद, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं जीना चाहती हूँ। मैं मोना, क्यों अपने आप को धोखा दे रही हो? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें इन ड्रग्स की जरूरत है। नहीं अरविंद, मुझे बचा लो प्लीज, मैं ये ड्रग्स वग सब छोड़ दूंगी।
मोना, ना तुम अब इन ड्रग्स को छोड़ सकती हो, ना ये ड्रग्स तुम्हें। नहीं अरविंद, मुझे नहीं पता था कि ड्रग्स का शौक मुझे यहाँ तक पहुँचा देगा। ये शौक सिर्फ पहले एक शौक रहता है, एक मॉडर्न शौक, फिर ये शौक एक आदत में बदल जाता है, आदत ऐब बन जाता है और ऐब आखिर लत बन जाती है, और ये लत जब एक बार लग जाती है ना मोना, तो छूटती नहीं है। मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें इसे बाहर निकालने की, लेकिन तुमने मेरे पीछे छुपकर ड्रग्स ली। अरविंद, तुम ही मुझे बचा सकते हो। कैसे बचाऊंगा तुम्हें मोना, कैसे? अपने प्यार। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारी एक ख्वाहिश है और ये ड्रग्स तुम्हारी मजबूरी। तुम मुझे छोड़ सकती हो मोना, पर इन ड्रग्स को नहीं। अगर तुम इन ड्रग्स को छोड़ दो तो मैं तुम्हारा हूँ। मिस्टर अरविंद, डॉक्टर साहब आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। मिस्टर अरविंद, मोना गुलाटी को दवाओं की भी जरूरत है और इमोशनल देखभाल की भी। इलाज तो हम कर ही रहे हैं उसका, मगर इमोशनल देखभाल के लिए लगातार हमें आपकी जरूरत पड़ती रहेगी। मैं हमेशा हाजिर रहूंगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मोना कुछ हो गया है क्या? Yes, Arvind. She has taken an injection of smack. तुमसे मैंने कहा था कि मोना को उस ड्रग्स से बहुत दूर रखना है। उसको ड्रग्स की आदत पड़ चुकी है। यानी कि मोना ड्रग्स के लिए इतनी मजबूर है। I love you, मोना। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने से हंसना एक सिरोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना।